नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड फॉर सैलरीड पर्सन के लिए या इस वीडियो में बता रहा हूँ। सैलरीड पर्सन ऐसे हैं कि अपने काम से फुर्सत नहीं है और कभी म्यूचुअल फंड के बारे में जाना नहीं, हमेशा प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते रहे, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि यदि एज 20 से 45 के बीच है तो मात्र 10 साल पैसा इन्वेस्ट करके अपने सैलरी का 50% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आप प्रोविडेंट फंड में कर रहे हैं, एनपीएस में कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे हैं तो यही सब चीज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे कर रहे हैं, आप कहेंगे कि ये सब बंद कर दूँ और म्यूचुअल फंड कर लूँ, ऐसा कैसे होगा? एक कहावत है कि सारे अंडे को एक ही टोकरी में रख देंगे, वो टोकरी गिरा तो सब खत्म। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा है, उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, या फिर एनपीएस में पैसा लगाया है तो उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, या आरडी चला रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो पोस्ट ऑफिस वाले कहाँ पैसा लगाए होंगे, पता करने का कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि 70 से 80 कंपनी में इन्होंने भी पैसा लगाया है, वहाँ से पैसा जनरेट करके हमें 7 से 8% का ब्याज दे रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ ये सब कुछ 10 साल के लिए बंद करके म्यूचुअल फंड SIP में अगर करते हैं तो SIP भी आपका पैसा 70 से 80 90 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कहना कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए, ये सच नहीं है। यहाँ 70 से 80 टोकरी है, आपके पास 80 अंडा है तो एक एक टोकरी में एक एक अंडा है, एक टोकरी गिरेगा तो एक ही अंडा फूटेगा। तो यहाँ पे मैं 3 म्यूचुअल फंड का बात करता हूँ कि 25,000 रुपये पर मंथ का SIP अगर किया तो पहले तो कैलकुलेटर देख लेते हैं कि 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ से SIP के कैलकुलेटर में गए और अभी से मात्र 10 साल जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको बंद करके, इंश्योरेंस कर रहे हैं, यूलिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लॉट फ्लैट का EMI चला रहे हैं, सब कुछ 10 साल के लिए स्टॉप करके 25,000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए मात्र 13% रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 30 लाख जमा होगा, 61 लाख रुपये बन जाएगा। अब इस 61 लाख रुपया को लमसम में रख दिए, 61 लाख को, और 5 साल छोड़ दिए, 10 साल तो पैसा दिया हर महीने देते रहे, 10 साल के बाद रुक गए, 5 साल छोड़ दिए यहीं पे, फिर 13% के रेट से ये 61 लाख का वैल्यू हो जाता है 1 करोड़ 12 लाख रुपया। जब 1 करोड़ 12 लाख हो जाए, और मैं मानता हूँ कि फिर 15 साल के बाद आपका रिटायरमेंट का एज आ गया, उस 1 करोड़ 12 लाख को अब SWP के सेक्शन में रख रहे हैं। पहले SIP चलाया, जितना पैसा जमा हो गया उसको वन टाइम में यहीं पे छोड़ दिए, अब वन टाइम में करने के बाद 5 साल के बाद 1 करोड़ 12 लाख हो गया, अब पेंशन पे आ जाते हैं। यहाँ से 65,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू करते हैं, 1 करोड़ 12 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में पड़ा है, और वहीं से 65,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक, और 10% का रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेटेड है, तो टोटल पेंशन विड्रॉ करेंगे 1 करोड़ 17 लाख, और बाद में बैलेंस वर्थ बच जाएगा 2 करोड़ 27 लाख, दोनों को जोड़ेंगे टोटल वर्थ होता है 3 करोड़ 44 लाख रुपया। तो इस तरह से यहाँ पे पहले मैंने 13% कैलकुलेट किया और बाद में 10% कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे 3 फंड का बात करते हैं हम। अगर तो आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं कुछ म्यूचुअल फंड का नाम सुना नहीं था, तो आपके भरोसे के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोलता हूँ SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI म्यूचुअल फंड, आप इससे फेमिलराइज हैं, आपके बगल में ब्रांच है, ब्रांच में जाइए, फॉर्म भरिए, साइन कीजिए और वहाँ शुरू कीजिए, मुझसे करना कोई ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी लोग बोलते हैं ये तो एडवाइजर है, एजेंट है, कमीशन के लिए बोलते हैं, अरे भाई यहाँ जाके कर लो, पूरे दुनिया का लोग मेरे से ही थोड़ी करेंगे, झेल नहीं पाऊंगा इतना इन्वेस्टर बन जाएंगे, तो यहाँ जाके कीजिए। क्या करना है तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स 25,000 रुपये पर मंथ दिया। सबसे पहले तो निपॉन का नाम आता है, पर हम उसको छोड़ देते हैं, SBI का बात करते हैं स्मॉल कैप, HDFC का बात करते हैं स्मॉल कैप, और ICICI पोटेंशियल स्मॉल कैप, 3 फंड का बात करते हैं। पहला SBI 25,000 रुपये पर मंथ 2013 से लेकर 2022 तक, जनवरी 2013 से दिसंबर 2022, 10 साल में जितना भी जमा हुआ वो जोड़ ही सकते हैं, 10 साल में कितना जमा हुआ, पैसा बना है 1 करोड़ 4 लाख, वैसे 25,000 की दर से साल में कितना हो गया 3 लाख, तो 10 साल में 30 लाख रुपये जमा हुआ, 1 करोड़ 4 लाख बना है 23% का रिटर्न, 1 करोड़ 4 लाख, और दूसरे में
HDFC ने बनाया है 30 लाख का वैल्यू 78 लाख रुपए 18% के रेट से, और तीसरा बैंक वाला फंड ICICI पोटेंशियल स्मॉल कैप, इसने बनाया है 30 लाख का 73 लाख। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, तीनों को जोड़ दिया, 1 करोड़ 4 लाख, 78 लाख और 73 लाख, 2 करोड़ 55 लाख रुपया हो गया। हमें 10 साल में कितना चाहिए था एज पर कैलकुलेशन? एज पर कैलकुलेशन हमें चाहिए था 61 लाख रुपया। SIP किया था, SIP करने के बाद हमको मात्र 61 लाख रुपया चाहिए था, पर यहाँ पे 61 लाख के बजाय पिछला एक्चुअल रिकॉर्ड 2 करोड़ 55 लाख रुपया आता है, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 गुना पैसा हुआ है। मैं 4 गुना कम आंक करके कैलकुलेट कर रहा हूँ 13% के रेट से, 4 गुना कम कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जितना पीछे मिला आने वाले दिनों में हमारा भाग्य इतना खराब हो कि जितना दिया था उससे 4 गुना कम मिले, तो 61 लाख रुपया बनता है। तो मेरा ये कहना है कि 10 साल में सारा का सारा पैसा, सारा मतलब जरूरी खर्च करने के बाद लगभग 50% पैसा, जो कि 25 हज़ार का अमाउंट होता है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और 5 साल के लिए छोड़ देंगे, फिर यहाँ से पेंशन लेना शुरू करेंगे। तो आपने जितना चीज़ बिखेर के रखा है ना, वो सब एक तरफ हो जाएगा और म्यूचुअल फंड का पैसा एक तरफ हो जाएगा, जो आपके फर्दर जीवन यापन के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।